देश के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एडीएम सिटी राकेश श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्य रिद्धि सहित व अन्य प्रशासनिक अधिकारी रहे, जिसके संबंध में जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कहा कि नशा की लत में जिंदगी बर्बाद करने वालों की काउंसलिंग कराई जाएगी तथा जरूरत पड़ने पर उनका इलाज भी करवाया जाएगा, जिससे जनपद को नशा मुक्त बनाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कहा, पूरे भारत में नशा मुक्ति अभियान कुछ जनपद में चालू किए हैं, तकरीबन 200 जनपद में। उत्तर प्रदेश में 33 जनपद में प्रारंभ हो रहा है, उस पर हम लोग जनपद भी शामिल है। एक बहुत ज़रूरी अभियान था ताकि गोरखपुर जैसे 60 लाख आबादी के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे भी लोग हैं नशा से और किसी न किसी नशा से उन लोग प्रभावित हैं, उसी के छुड़वाने के लिए हम लोग हर लेवल से प्रयास करना होता है। स्कूल लेवल से लेकर के ऊपर का हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन, सरकारी दफ्तर, हर जगह से मेहनत करना पड़ेगा। उसके एक अभियान हम आज प्रारंभ कर रहे हैं ताकि ये नशा से भी आज़ादी हमें चाहिए। आज उसी दिवस पे, स्वतंत्र दिवस पे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इसी उम्मीद से गोरखपुर जल्दी से जल्दी ये नशा मुक्त हो जाए और उसी में कोई पीड़ित है, कोई प्रभावित है, उन्हीं का हम लोग भाईचारा के साथ उनका उसी पीड़ा से निकल के बाहर करेंगे। और आपको भी मैं अपेक्षा करता हूँ, आपके घर पे आसपास में कोई भी है नशा से पीड़ित है, उनका जिला समाज कल्याण अधिकारी इसी योजना का नोडल है, उसके अलावा हम सभी लोग हैं, हमसे संपर्क करें। उनका नशा छुड़वाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो सारे सहयोग हम करेंगे। सर, काफ़ी युवा वर्ग नशा के झंझट में आ रहा है, उनका बाद भी काफ़ी सारे उन युवाओं से क्या करना चाहते हैं जो इस रास्ते में जा रहे हैं? देखिए, कितने लोग हैं ये तो, यहाँ कुछ गांव ऐसे भी है पीढ़ी से पीढ़ी इसी टाइप का नशा पदार्थ बनाते हैं और कुछ लोग का हम रिहैबिलिटेशन में ले रहे हैं। यहाँ जो देखिए, जिला प्रशासन का ये भी जिम्मेदारी है, कोई गलत रास्ता में कोई भी आदमी जाता है, केवल दंड देना हम लोग का काम नहीं है, उनका पुनर्वास भी करना है, रिहैबिलिटेट करके दूसरे अच्छा एक रास्ता दिखाना भी हम लोग का जिम्मेदारी होता है। उसी दिशा पे यहाँ 10-15 गांव हैं हम लोग का संज्ञान में, उस पर समूह के माध्यम से हम लोग काम करेंगे। उनका मान लीजिए जो कमाई उस पर होता है, उसी धंधा में होता है, उससे ज़्यादा कमाई फ़ायदा हम लोग दूसरे रास्ता पे दिला देंगे, दिखाएंगे। उनका थोड़ा आगे वो मानसिकता बदलना पड़ेगा, उसका हम लोग मानसिक रूप से काउंसलिंग भी करेंगे। उसके अलावा आर्थिक मजबूत कराने के लिए मेन चीज़ उसका आर्थिक मजबूती कराने के लिए होता है, इसलिए बार बार उसी बिजनेस में उसी काम में चले जाते हैं वापस, उसी के वापस ले आकर के उनसे बेहतर नौकरी हम दिला देंगे ताकि मान सम्मान पूर्वक वो भी समूह में रह सके। उसका भी प्रारंभ आज से करा रहे हैं।